और अब बात इसराइल हिजबुल्ला की जंग की। इसराइल के गैलिली में हिजबुल्ला ने भीषण ड्रोन अटैक किया है। हिजबुल्ला के 3 ड्रोन से इसराइली शहर गैलिली में जोरदार धमाके देखने को मिले। आयरन डोम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा, ये जानकारी मिल रही है। आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इन ड्रोनों को, जिनके जरिए इजरायली शहर गैलिली में जोरदार धमाका किया गया। हिजबुल्ला ने 3 ड्रोन के जरिए गैलिली में ये बड़ा धमाका किया और आयरन डोम सिस्टम भी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इन ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से हिजबुल्ला ये हमला करने में कामयाब हो गया। इस बीच एक और बड़ी खबर दक्षिण लेबनान से आ रही है। दक्षिण लेबनान में इसराइल ने विध्वंसक हवाई हमला किया है। लेबनान का एता अल शाब शहर इसराइल की बमबारी से दहल गया। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्ला के मिलिट्री ठिकाने को टारगेट किया था और इस टारगेट में वो सफल भी हुआ। हिजबुल्ला और इसराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इसराइल हिजबुल्ला पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू के साथ अमेरिकी दौरे पर गए एक अधिकारी ने दावा किया है कि हिजबुल्ला पर हमले के लिए अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार नहीं है। हम हिजबुल्ला पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करेंगे, ये कहा उन्होंने। हिजबुल्ला का उत्तरी बॉर्डर से खात्मा कर देंगे पूरी तरह से, ये कहा है इस अधिकारी ने जो अमेरिकी दौरे पर गए हैं नेतन्याहू के साथ। उनका यह दावा कि हिजबुल्ला पर हमला करने के लिए किसी तरह की हरी झंडी की जरूरत नहीं है और हम कभी भी ये हमला कर सकते हैं। दरअसल क्या हुआ है ये आपको बता दें, किसने बयान दिया है। नेतन्याहू के साथ अमेरिका दौरे पर गए एक इजरायली अधिकारी ने दावा किया है कि इसराइल हिजबुल्ला के खात्मे की तैयारी कर रहा है। उत्तरी सीमा पर हिजबुल्ला पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। हिजबुल्ला को खत्म करने के लिए लेबनान में सैन्य कार्रवाई भी करेंगे। इसके लिए इसराइल को अमेरिका से मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। लेबनान से हिजबुल्ला के हमले का जवाब दिया जाएगा पूरी तरह से इसराइल द्वारा। अरब में सबसे बड़ी जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस जंग की वजह है इसराइल का ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में फंस जाना। इसराइल पर हिजबुल्ला ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं और दावा यह है कि इसराइली वायुसेना का एक फाइटर जेट लेबनान में धराशायी हो चुका है। इसके बाद इसराइल ने ईरान और उसके प्रॉक्सी को खत्म करने का ऑपरेशन शुरू करने की ठान ली है। देखिए कैसे अरब एटमी बारूद के ढेर पर पहुंच चुका है और कब्र इस जंग की चिंगारी भड़क सकती है। हिजबुल्ला के 5,000 से ज्यादा हमले झेल चुके इसराइल का धैर्य अब टूट चुका है। हिजबुल्ला के हमलों से उत्तरी इसराइल का 560 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाका जलकर खाक हो चुका है। उत्तरी इसराइल के 90,000 से ज्यादा परिवार अपने घर छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि रूस उत्तरी इसराइल की आबादी पर हिजबुल्ला के रॉकेट बरस रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट यह है कि इसराइल ने अब हिजबुल्ला और उसको शक्ति देने वाले ईरान के साथ सीधे युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ युद्ध का ब्लूप्रिंट साझा किया है। नेतन्याहू के अमेरिका से लौटते ही हिजबुल्ला के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पहले चरण में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। दूसरे चरण में इसराइल का टारगेट ईरान है।
हिजबुल्ला हर बीते दिन के साथ इसराइल के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला के हमलों की रेंज और तीव्रता दोनों बढ़ती जा रही है। चौबीस जुलाई की रात और 25 जुलाई को हिजबुल्ला ने इसराइल के किरियत शिमोना, शलोमी, शेबा फार्म्स, मेरोन, नहरिया पर रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने इन शहरों पर रूस से मिले कत्यूशा रॉकेट सिस्टम से हमले किए हैं। इसके साथ साथ हिजबुल्ला ने गोलन पहाड़ी तक रॉकेट बरसाए हैं। उत्तरी इसराइल में किरियत शिमोना के कैंप गेबोर और एविताल के सिग्नेट बेस पर रॉकेट वर्षा की गई। हिजबुल्ला के हमलों का बदला लेने के लिए अब तक इजरायली वायुसेना लेबनान पर हमले करके सुरक्षित लौटती रही है, लेकिन पहली बार हिजबुल्ला ने लेबनान की वायु सीमा में घुसे इजरायली फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। चौबीस जुलाई की रात इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन चलाया। इस इलाके में सिदोन और तेर हार्फा पर हमले किए गए। लेकिन इसराइली वायुसेना को इन हमलों में पहली बार नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्ला के इन हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान से सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। So when Israel fights Hamas, we're fighting Iran. When we fight Hezbollah, we're fighting Iran. When we fight the Houthis, we're fighting Iran. And when we fight Iran, we're fighting the most radical and murderous enemy of the United States of America. And one more thing. When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every city that you come from. We're not only protecting ourselves, we're protecting you. These heroes here today, the heroic soldiers of Israel. अमेरिकी कांग्रेस से नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग का ऐलान कर दिया है और उनके अमेरिका से लौटते ही लेबनान सहित ईरान पर हमले शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इसराइल ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला ने एक बार फिर इसराइल के सबसे बड़े एयरबेस में से एक रमात एयरबेस पर हमले करने की धमकी दी है। ये तस्वीरें इसराइल के रमात एयरबेस की हैं जो हिजबुल्ला ने जारी की है। इस बेस पर हिजबुल्ला का सैन्य सर्वेक्षण ड्रोन 10 मिनट से ज्यादा तक मंडराता रहा और सभी सीक्रेट ठिकानों की रेकी करके लौट गया। ये रमात बेस के एविएशन फ्यूल टैंक का वीडियो है। ये बेस पर बना 109 कमांड स्क्वाड्रन हेडक्वार्टर है। हिजबुल्ला ने इसराइल के रमात एयरबेस का कोना कोना जान और समझ लिया है। ये देख लिया गया है कि कहां विमान होते हैं और कहां उनकी मेंटेनेंस। रमात एयरबेस पर लगे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की जानकारी भी हिजबुल्ला ने जुटा ली है। हिजबुल्ला यह भी जान चुका है कि इस एयरबेस पर विमानों पर लोड होने वाले हथियार और मिसाइल किस जगह रखे जाते हैं। हिजबुल्ला चाहता तो अपने ड्रोन से इस एयरबेस पर हमला कर सकता था, लेकिन ये इसराइल के लिए चेतावनी है कि उसका कोई भी सैन्य ठिकाना हिजबुल्ला की पहुंच से बाहर नहीं है।
हिजबुल्ला के साथ साथ होती भी दक्षिणी इसराइल पर खतरा बनता जा रहा है। इसीलिए इसराइल ने दोनों मोर्चों पर स्पेशल टीम तैनात की है।